लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के भिंड से प्रत्याशी रहे फूल सिंह वरैया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि शासन और प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन चुका है, बस उसे पार्टी की सदस्यता लेना बाकी है। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर हार के बाद कांग्रेस की समीक्षा बैठक चल रही है। बैठक में शामिल होने पहुंचे फूल सिंह वरैया ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा, भिंड में TI SDOP समेत प्रशासन के SDM स्तर के अधिकारियों ने वोट लूटने का काम किया, हमारे पोलिंग एजेंट को उठाकर ले गए। वरैया ने कहा कि मेरे क्षेत्र में EVM में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, मेरे क्षेत्र में तो शासन प्रशासन के अधिकारियों ने ही गड़बड़ की है। वन टू वन चर्चा हो रही है, उनकी पूरी कमेटी है, एक कैंडिडेट से बात कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आप चुनाव कैसे आ रहे हैं। तो मैं अपनी सीट का बता सकता हूं, भिंड दतिया लोकसभा सीट जहां से मैं प्रत्याशी था, मुझे भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन है वो आज की तारीख में पूरा कार्यकर्ता बन गया है, सदस्य लेना बाकी है। पोलिंग जिस दिन हो रहा था वोट, उस दिन उन्होंने पोलिंग पर पूरी टीम बना करके गुंडों जैसी टीम बनाई और पोलिंग में घुसे और हमारा जो एजेंट बैठे हुए थे उनको निकाल करके थाने में बंद किया और उन्होंने 5 लोग वो बिठा करके ले गए, उनसे कहा कि वोट फेंको। उन्होंने पूरी पार्लियामेंट में ऐसा ही किया, इसलिए उन्होंने मुझे चुनाव हरा दिया, अन्यथा मैं कम से कम 2.5 लाख वोटों से मेरा चुनाव जीतना तय था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।